तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर शान हेल्थ केयर में। तो दोस्तों, आज हम आपको मोटापा कम करने के लिए 20 ऐसे कारगर उपाय बताने वाले हैं। अगर आप मोटापा व पेट की चर्बी से परेशान हैं, आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, आपने हर तरीका अपना लिया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो दोस्तों आज हम आपको जो उपाय बताएंगे उसके द्वारा ज़रूर से ज़रूर आपको 7 दिन में ही फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लें। 100% दोस्तों आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नंबर एक दोस्तों, अगर आपका वेट 100 kg तक या फिर 100 kg प्लस है तो आपको सुबह शाम रोज़ लगभग 30 मिनट या 40 मिनट तक पैदल चलना है, ठीक, और उसके बाद धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट कर देना है। और नंबर दो दोस्तों, आपको सुबह में ग्रीन टी ज़रूर पीना है। ग्रीन टी पीने से दोस्तों मेटाबॉलिज्म बढ़िया करता है और आपके जो पेट में चर्बी रहते हैं उसको भी कम करता है। और नंबर तीन दोस्तों, सुबह के नाश्ते में अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा को ज़रूर शामिल करें, इससे आपके पेट की चर्बी बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। और नंबर चार दोस्तों, भोजन में हरी सब्जियों का ज़्यादातर यूज करें, ठीक। और नंबर पाँच दोस्तों, खाना खाते वक्त सलाद का सेवन ज़रूर करें और इसमें गाजर, मूली, चुकंदर और पपीता ये सब ज़रूर शामिल करें। और नंबर छः दोस्तों, आपको मीठे चीज़ों का सेवन कम से कम करना है, ठीक, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसका यूज बिल्कुल भी ना करें। और नंबर सात दोस्तों, आप जब भी कुछ खाएं बहुत अधिक ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, चाहे दिन में 3 या 4 बार खाएं, ठीक। और नंबर आठ दोस्तों, आपको रोज़ाना एक्सरसाइज और व्यायाम ज़रूर करना है और पैदल चलना है, ठीक। और नंबर नौ दोस्तों, आप जो भी खाएं उसे अच्छे से दांतों से चबा चबा कर खाएं। और नंबर दस दोस्तों, एरोबिक और कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर सुबह करें, ठीक। और नंबर ग्यारह, तो आपको कहीं भी जाना हो जैसे लगभग 2 या 3 या 5 या 1 किलोमीटर तक के अंदर अंदर, तो आप दोस्तों साइकिल का ही यूज करें, ठीक, आप साइकिल से ही जाएं। नंबर 12 दोस्तों, आप वही चीज़ें खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। नंबर 13 दोस्तों, इस दौरान आप खाना खाने से ज़्यादा आप फलों का सेवन करें, खासकर शाम को सोते समय फल ही खाकर सोएं। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको केला नहीं खाना है, ठीक। नंबर 14 दोस्तों, आपको व्यायाम लगभग 40 से 50 मिनट तक रोज़ाना ज़रूर से ज़रूर करना है। और नंबर 15 दोस्तों, आपको गर्म पानी का ही यूज करना है, ठीक, और इसमें दोस्तों नींबू, अदरक और लहसुन और शहद ये मिलाकर पीना है, ठीक। तो दोस्तों आपको एक गिलास पानी लेना है और आधा नींबू उसमें निचोड़ लेना है और एक चम्मच शहद मिला लेना है और अदरक और लहसुन को बढ़िया से सुखा कर पीस लेना है और एक गिलास पानी में थोड़ा सा मिला लेना है, उसके बाद आपको पीना है, ठीक। नंबर 16 दोस्तों, आपको आंवले का चूर्ण बना लेना है और जब भी आप पानी पिएं तो आपको एक चम्मच आंवले का चूर्ण मिला लेना है और एक चम्मच शहद मिला लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों, पानी गर्म रहे और उसके बाद आपको इन सभी को घोल कर पीना है, ठीक। नंबर 17 दोस्तों, आपको जब भूख लगे तभी खाएं, ऐसा नहीं करना जो चीज़ देखा बस खा लें, ठीक। और नंबर 18 दोस्तों, आप वही भोजन करें जिसमें वसा की मात्रा कम हो। और नंबर 19 दोस्तों, इस दौरान हफ्ते में एक बार उपवास रखें, उस दिन आप खाना ना खाएं, ठीक। और नंबर 20 दोस्तों, आपको योगासन जरूर करना है, ठीक, जैसे कि त्रिकोण आसन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कपालभाति, ये आसन आपको जरूर रोजाना करना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों हमने आपको जो जो बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% दोस्तों आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको दोस्तों इसके बारे में और भी जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।